नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक खास जगह की यात्रा, निधिवन, जो वृंदावन में स्थित है। निधिवन एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां अनेक धार्मिक महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई हैं। यह स्थल भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के लिए एक अद्भुत सानिध्य है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं और महारस की घटनाएं आयोजित की थी, और निधिवन इस जगह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां की अनोखी वनस्पतियां और पवित्र वातावरण ने इसे एक धन्य केंद्रित स्थल बनाया है। इस व्लॉग में हम आपको निधिवन की यात्रा पर लेकर जाएंगे, जहां हम आपको इस पवित्र स्थल के रोचक तथ्य और विशेषताओं के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी यात्रा निधिवन की ओर। भाई, अब जिस जगह का दर्शन आप लोगों को करवाने वाले हैं ना, वो जगह मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और आप लोगों को भी पता होगा यहाँ का रहस्य है। मैं अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ का रहस्य ये है कि रात में रुकने नहीं मिलता है, 7 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है। सो अभी अपन जाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है, और आप लोगों को भी साथ ही साथ दिखाने वाले हैं कि आगे क्या होगा, कैसे रहेगा, सब कुछ दिखाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहना। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई और आपको कुछ भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलते हैं आगे। यार, वृंदावन की एक बात तो बहुत खास है कि वृंदावन में कपड़े, लड्डू गोपाल के कपड़े बहुत सस्ते सस्ते मिलते हैं। यार, अगर आप देखेंगे तो ये जो ड्रेसेस देख रहे हैं ना, वो 100, 150 और 90, 70, मतलब ऐसे टाइप मिलेंगे। और लड्डू गोपाल जी के मुकुट ये देख सकते हैं, ये मिल जाएंगे आपको 10-10 रुपये में, 10-10-15 रुपये में। वृंदावन में आपको बचना है तो सिर्फ इनसे, ये बंदर, बस इनसे, बंदरों से बचकर रहना है, जो कि फ़ोन, मोबाइल, चश्मा और जो भी चीज़ें हमें मिलती है ना, उसको ले जाते हैं। भाई सच में सीरियसली बता रहा हूँ, बचा के रखना इससे, नहीं तो फिर फ्रूटी देना पड़ेगा, वो भी ठंडा, गर्म से काम नहीं चलता इनका, ठंडा फ्रूटी दो। भाई यार, देखने से आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये मैं दूसरे दिन घूम रहा हूँ, दूसरा व्लॉग है प्रॉपर, दूसरा सब कुछ अलग है, बट ये दूसरा व्लॉग नहीं है। इससे पहले जो आपने देखा है ना बांके बिहारी मंदिर जी का मतलब व्लॉग डाला था, वो व्लॉग आज ही गया है। मॉर्निंग में मैंने ये कंप्लीट किया और दोपहर में अभी फिर निकल गए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। इतना मेहनत चल रहा है और इतना अच्छा दिखाया जा रहा है यार, इतना अच्छा, आई डोंट थिंक सो कि बांके बिहारी मंदिर जी का कोई दिखाया है अभी तक। मैं पूरे यूट्यूब पे तो चेक कर लिया मैंने अपने साइड से, बट मेरे को नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई दिखाया। तो अप्रिसिएशन दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुले हैं। तो अभी हम लोग बैठ चुके हैं यार ई रिक्शा में, और ई रिक्शा में बैठ के हम लोग जा रहे हैं। ओ भाई बंदर, ये देखो बंदर। भाई यार, इन लोग भी आपको हर जगह दिख जाएंगे। बंदर यहाँ के खासियत है, और बंदर से अपने को बचा के रखना है सबसे पहले तो मोबाइल बचा के रखना है, चश्मा बचा के रखना है, और बाकी के सारे चीज़ें जो कि वो उठा के ले जाएं तो ये सब बचा कर रखना है। और देखो, आपको बांके बिहारी मंदिर से आपको मिल जाएगी प्रेम मंदिर तक का ऑटो मिल जाएगी, रिक्शा मिल जाएगी, जो भी रिक्शा मिल जाएगी सिर्फ 20 रुपीज़ के चार्जेस में, तो ये चीज़ सबसे बेस्ट है यार। और वृंदावन का एक चीज़ बहुत अच्छा लगा मेरे को कि यहाँ पे कोई भी लोग यार कटुक शब्द नहीं बोलते, मतलब समझ लो कि एक होता है ना, ये थोड़ा सा आप लोगों को झेलना पड़ेगा क्योंकि ई रिक्शा है ना, तो ई रिक्शा में थोड़ा ये सब का कंफर्ट का थोड़ा चलता है, बट मंदिर आया तो कंफर्ट नहीं देखना यार, यहाँ की लीला ही अलग है। सच बता रहा हूँ आप लोग को वीडियोस में, और लाइक मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग को बेस्ट तरीके से दिखा पाऊँ यहाँ का। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही एक्सप्लोर किया और ये सब जगह घूम रहा हूँ, और बट देखो वीडियोज़ और रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होता है। अगर हम रियलिटी में इस जगह पर आए ना तो उसका सुख अलग ही है। बट देखो, मैं सारे यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलूँगा कि ये वो आओ आओ, भाई देखो अगर जिसकी एज हो गई है ना तो वो मत आना, सीरियसली मत आना, बहुत हालत ख़राब हो जाने वाली है, और बहुत गंदा भीड़ लगता है, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे का भीड़ लगता है, एकदम लंबा लाइन। वीडियोस में मेरे पीछे वाली वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देख लेना, उसमें भीड़ का अंदाज़ मिल जाएगा आप लोगों को। उसमें मैंने बहुत कोशिश किया है कि यार मैं आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा पाऊँ। बाकी आगे हम लोग जा रहे हैं अभी प्रेम मंदिर और निधिवन जाएंगे, बहुत जगह जाने वाले हैं, तो अभी देखते हैं पहले कहाँ जाएंगे, जो जिस जगह पहले जाएंगे उसी का व्लॉग बना देंगे। ही टैलेंटेड पीपल्स, छत्तीसगढ़ के टैलेंटेड पीपल्स, यू नो। तो भाई अपने आश्रम से अब हम लोग 20-20 रुपये का ई रिक्शा करके अब आए हैं हम लोग निधिवन जाने। अब अपना डिसाइड हो गया प्लेस, निधिवन जा रहे हैं हम लोग, निधिवन का आपको दिखाएंगे। हाँ, टाइटल में तो आप लोगों को पहले ही पता चल गया होगा, बट अब मेरे को पता चल गया, अभी मेरे को पता चला कि हम जा रहे हैं निधिवन। तो यार अभी हम हैं निधिवन मार्ग में, और निधिवन के मार्ग में अब चल रहे हैं, और रास्ते में गली में चल रहे हैं, अब देखते हैं कब आएगा निधिवन। और पीछे ही अपने को तो उतार दिया था भाई साहब ने कि हो गया, अब इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे, बाकी अब हम लोग चलो पैदल ही चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे गंगोत्री करके वो है कपड़े का शायद, तो उसके आगे आगे देखो कहाँ कितने दूर में है। भाई साहब निधिवन दर्शन करने के लिए देखो कितनी भीड़ हुई है, भाई साहब निधिवन का बोर्ड यहाँ है, और बोर्ड देख सकते हैं, बोर्ड के सामने ही कितने ज़्यादा लोग भरे पड़े हैं, और ये देखो कितने सारे लोग, भाई साहब
भाई मैं कह रहा था कि बाकी बिहारी मंदिर के कंपैरिजन में यहाँ पे भीड़ बहुत कमी है, बट ठीक है इधर पे भीड़ अच्छी खासी है। देखोगे तो होंगे भाई अप्रोक्स 1000-2000 लोग होंगे आराम से। भाई साहब यार देख रहे हो निधिवन का गेट, अरे 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 बजरंग बली खुद ही आ गए हो देखो देखने के लिए इतने भीड़ को। तो भाई ये है अपना निधिवन का, सॉरी ये अपना निधिवन का गेट जो कि अभी बंद हो चुका है भीड़ ज़्यादा होने की वजह से। तो अभी वेट कर रहे हैं कि थोड़ा भीड़ कम हो अंदर का, तो फिर जाके दिखाएंगे बाकी। भाई भीड़ भीड़ एक बार चेक कर लो, इतनी खतरनाक भीड़ में, इतनी खतरनाक भीड़ में। आनंद भाई इज़ ब्लॉगिंग लाइक अ बेशरम, छत्तीसगढ़ से है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, नो शरम, वो भी दिख लो। खुल गया भाई पट खुल गया जस्ट। वहाँ से चप्पल वप्पल लेके, चप्पल वप्पल जमा करके इधर पे आना है, अपना प्रवेश द्वार है। और तो प्रवेश द्वार पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ हुई है भाई साहब, कितना भीड़ है यार भाई साहब, यार निधिवन में कितनी ज़्यादा भीड़ है। एक सेकेंड मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, इन काउंट ऑफ 3-2-1 ये देखो भाई साहब, ये निधिवन है और यहाँ की भीड़ भाई साहब इतना। भाई यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ देखी थी मैंने, इतनी भीड़ तो आज तक कभी नहीं देखी है, ये फर्स्ट टाइम इतनी भीड़ देख रहा हूँ भाई साहब, इतनी भीड़ है यार।
यार, जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाया यहाँ का निधिवन का। यार कसम से अभी मैं निधिवन में ही बैठा हूँ, पीछे देख सकते हैं मेरे वन ही है, देख लो ये लोग, देख लो पूरा वन ही है ये भी, ऊपर पूरा ऐसा सिस्टम बैठा हुआ है। तो अभी मेरे पीछे वन ही है, निधिवन पूरा एक जितना डिटेल में दिखाया हो ना भाई, शायद ही आज तक दिखाया हो कोई इतने भीड़ में, इतने भीड़ में। भीड़ भी एकदम मैटर करता है यार, भीड़ में वीडियो बनाना इज लाइक काइंड ऑफ समथिंग, बहुत बड़ा काम है क्योंकि लोग आप ही को देखते रहते हैं। अभी भी मेरे को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बट हम हैं छत्तीसगढ़ के निवासी। तो भाई ये है निधिवन का फोटो स्पॉट, मतलब यहाँ पर सब फोटो वोटो ही लेते हैं। अब हम तो वीडियोग्राफर हैं तो वीडियो ले रहे हैं, बाकी सब फोटो ले रहे हैं, हम भी लिए थंबनेल के लिए। सब निधिवन में भी तीन मंदिर अभी तक घूम चुके हैं, ये देखो ये भी एक मंदिर ही है भाई, कितने मंदिर है वहाँ पर, तीन चार मंदिर है शायद। भाई साहब जिस तरीके से आपके भाई ने ये वीडियो दिखाया है ना यहाँ का निधिवन का, शायद ही कोई दिखाया होगा, अगर दिखाया भी होगा ना, सच बता रहा हूँ, वो तो एकदम खाली में दिखाया होगा। इतने रश में दिखाना इज समथिंग लाइक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, बट ठीक है, आदत होते जा रहा है भाई। यार चलो, हम लोग पूरा दर्शन कंप्लीट कर लिए निधिवन का, और आप लोग को भी दर्शन पूरा करवा दिए निधिवन का, और अभी दिखाता हूँ हम लोग को। चलो बहुत अच्छी किस्मत है गोपाल जी की कि हम लोग हर ट्रिप जो भी जहाँ भी जा रहे हैं जल्दी जल्दी अपना काम हो जा रहा है, वरना एक बार भीड़ दिखा देता हूँ। ये भीड़ देख लो, ये बालक लोग बालिका लोग बोल रहे थे कि भैया कर क्या रहे हैं। लो भाई हम लोग, मैं तो सोच रहा था अभी ये वीडियो ख़त्म करने का, बट वीडियो ख़त्म करने से पहले यार निधिवन आए तो यमुना जी ना दिखाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। हमारे पीछे है यमुना जी, ओ सॉरी मेरे सामने है यमुना जी, ये देखो भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है यार। थोड़ा पास से जाके और दिखाता हूँ यमुना जी की सुंदरता को आपको, पास से दिखाता हूँ राधे राधे का जाप करते करते।